हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सीटीएस चैनल। इस चैनल पे सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें G15 और G16 का यूज किया जाता है। ये प्रोग्राम में कैसे यूज होता है, इसका वर्किंग क्या होती है, इसके बारे में आज समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट। चलिए पोलर कोऑर्डिनेट समझते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट का प्रोग्राम कैसे बनता है, G15 G16 का, और उसको मशीन में कैसे उसका वर्क किया वर्क होता है। तो आज मैं आपको एक प्रोग्राम बना रखा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट का, और इसके बाद आपको मैं मशीन या यानी सिमुलेटर पे से आपको मैं बना कर दिखाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, पूछिए, ज़रूर मैं रिप्लाई आपका दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में होता क्या है। आपको थोड़ा सा मैं पहले बता दूँ कि इसमें एक्स और वाई में यानी एंगल पे ही हम मान लीजिए कि कोई सा ड्रिल करना एंगल पे करना, तो हम इजली उसे पोलर कोऑर्डिनेट में कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो एंगल दे रखे हैं इस पे मान लीजिए 90 डिग्री पे एक होल करना है, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट के माध्यम से बहुत इजली कर सकते हैं। चलिए समझते हैं पहले। देखिए ये हमारा प्रोग्राम नंबर है 6001, और ये पार्ट का नेम है एक्स वाई जेड, और ये OP30 यानी किस ऑपरेशन पे से बनाया जा सकता है। आप जो भी ऑपरेशन बनाना चाहें उतने भी बना सकते हैं। उसके बाद पार्ट के नंबर हमारे ड्राइंग में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाल सकते हैं। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, आप बनाए हैं, अपना नाम दे डाल दीजिए। उसके बाद किस तारीख को ये प्रोग्राम बना है उसे डाल दीजिए, और ये प्रोग्राम को रन करने के बाद कितने सेकंड टाइम हमें अचीव हो रहा है उसको यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, मतलब प्रोग्राम के ऊपर आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे होमिंग पोजीशन के लिए G0 G91 G30 Z0.0 को डालते हैं, फिर Z0 उसके बाद Y0 कर लेते हैं। चलिए सीक्वेंस नंबर N05, उसके बाद M98 ये सब प्रोग्रामिंग कॉल करते हैं, और P6002 हमारा सब प्रोग्राम नंबर है। इसको इसलिए मैंने बना रखा है कि हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें मैंने बना रखे वर्क ऑफसेट और टूल ऑफसेट। देखिए ये हमारा एक्सटर्नल वर्क ऑफसेट है। ठीक, अगर आप इसका माइक्रो प्रोग्राम ऑफसेट का वीडियो अगर नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। हमारा ये एक्सटर्नल है 54 के लिए हम 52x21 का यूज करते हैं, और एक्सटर्नल के लिए 52x01 का यूज करते हैं। तो ये हमारे 54 का एक्स का ही है, वाई का ही है, जेड का ही है। जब हमें मान लीजिए ये सेंटर का डायल कर लिया या इसका ऑफसेट लिया तो हमें ये इतना इतना मिला। ठीक है, जेड का इतना और एक्स का और सॉरी वाई का और एक्स का, ये हमें वहाँ से डाटा मिल गया, यहाँ डाल दिए। और हमारे टूल का लेंथ इतना है, इसमें दो ड्रिल चलेंगे, ये 20 का ड्रिल होगा, एक ड्रिल और रिमर चलेगा, प्लेट ड्रिल चलेगा, उसके बाद रिमर चलेगा। ठीक है, ये दोनों का लेंथ है, टूल का लेंथ है, ये 188.002 है, 102.702, तो ये हमारा लेंथ है। ये जैसे मान लीजिए कि ये पहले का लेंथ है, इसे हम डिलीट कर दें। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये हमारा टूल का लेंथ हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे प्रोग्राम पे। ये हमारा कंपनसेशन कैंसिल टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल M06 टूल नंबर 1 यानी ड्रिलिंग का कमांड को कॉल किया और उसे बुला लिया है। ये G0, G90, G56, X0, Y0, Z0 यानी G56 पे हमारा मशीन को X0, Y0 करके Z50 पे लागू मशीन को रोक लिया। ये टूल हाइट डाल रखा है H1 में, और Z को 100 mm ऊपर ही रोक लिया। M08 से कूलेंट ऑन हो गया, M03 स्पिंडल स्पीड 3000 का डाल दिया। चलिए अब यहाँ से समझते हैं, ये हमारा थोड़े समझने लायक पॉइंट है। G81 और G99, G16, G16 हमारा पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा ड्रिलिंग साइकिल के लिए कमांड हो गया, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। X 100 और Y 0 और Z -10 और R5 और फीड
800 के, ठीक है। तो हमारा ये आ रहा है रिट्रैक्शन है, और इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें एक्स इक्वल टू है आर, तो एक्स हमारा ये हो जाएगा रेडियस, और वाई एंगल हो गया हमारा 0, यहाँ तो कोई एंगल है नहीं 0, और जेड -10, और रिट्रैक्शन 5 का होगा, 5 mm ड्रिलिंग के बाद रुकेगी और फिर इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट होल बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक्स एक्स हमारा रेडियस 100 और वाई 90, यानी यहाँ पे 90 डिग्री पे होल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 180, उसके बाद मुझे रेडियस का कोई डालने की इशू नहीं है, एक बार डाल दिया। उसके बाद एंगल डाल देंगे हमारा बन जाएगा 180 पे भी होल हो जाएगा, 90 90 180, फिर 200 हमारा 25 हो गया, फिर ये हमारा 315 हो गया, उसी तरह 315 तक हमारी ड्रिलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद M05 स्पिंडल स्टॉप कूलेंट स्टॉप और M01 ऑप्शनल स्टॉप और M30 प्रोग्राम एंड, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को सिमुलेटर में चला कर देखते हैं, तो आपको मैं सिमुलेटर पे इसे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने सिमुलेटर पर लाया और इसको मैं प्रोग्राम को चला कर दिखा दूं, चलिए रन कर देता हूं। देखिए हमारा ये हमारा कितना था, x100 और y0, ये x100 y0 पे ये होल हो गया। अब आ जाएगा x100 y90 पे, x100 y90 यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा आएगा 180 पे आ रहा है, स्लो आ रहा है थोड़ा, ऑप्शनल स्टॉप लगा दिया था मैंने सिंगल ब्लॉक, सॉरी, इसको जैसे थोड़ा ये स्लो हो गया। देखिए 180 पे होल ड्रिल हो गया। अब हमारा हो गया 225 पे, 225 हमारा यहाँ हो गया, अब हो गया 315 पे। देखिए कंप्लीट हो गया, तो अब दिखाऊं कुछ ऐसा ही तो था, 0 डिग्री 0 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, 225 225, 315 ऐसा ही बोलता ना। देखिए ये हमारा ड्रिलिंग हो गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो इस सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।